मोदी को, मोदी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा, खाली वोट लो वोट लो। मोदी बोलता वोट चाहिए हमको और जनता मर जाए बिहार का, वो सुनवाई नहीं दे रहा है, कान में क्या हो गया मोदी को और नीतीश कुमार को। सुबह से ही बिहार जाने के लिए सड़कों पर हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों को आखिरकार प्रशासन ने बसों में भरकर बिहार बॉर्डर पर भेज दिया है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही हरियाणा पंजाब से बड़ी संख्या में मजदूर बॉर्डर क्रॉस करके सहारनपुर आ गए और इसी बीच सहारनपुर के शेल्टर होम में रखे गए मजदूर भी उनके साथ मिल गए। संख्या हजारों में होने के कारण सड़क पर भारी जमावड़ा हो गया। इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो हंगामा करने लगे, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। घटना की सूचना मिलते ही जिला के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंडलायुक्त संजय कुमार, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। सबसे पहले एसएसपी ने माइक लेकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लोग नहीं माने तो फिर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने लोगों को समझाने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि जल्दी रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें बिहार भेजा जाएगा। लेकिन प्रवासी मजदूर मानने को तैयार नहीं थे, उनकी केवल एक ही मांग थी कि उन्हें बिहार जाना है, ट्रेन मंगाए बस मंगाए नहीं तो उन्हें पैदल जाने दे। आखिर में दोपहर को प्रशासन ने आनंद फाना में करीब 46 बसें मंगा कर उसमें बिठाते हुए उन्हें बिहार बॉर्डर के लिए रवाना किया। ये तो सेवा पानी बहुत किया, इससे तो इससे अच्छा अब क्या कर सकते हैं। समस्या क्या क्या आपके सामने? समस्या तो अभी यही है, हम लोग ये धूप में पड़े हैं सवेरे से, और क्या समस्या होगा। कितने बजे से यहाँ पे आप? हम तो यहाँ लगभग 7 बजे से हैं, वहाँ आश्रम में थे। तो आश्रम क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी बोला बस में बैठाना है सबको, लाइन में खड़े हैं, लाइन में बैठ जाइए। हरियाणा से। किधर जाना है? बिहार। कितने महीने का बच्चा है आपके पास? 3.5 महीने का। 3.5 महीने का? हाँ। आपका नाम? चंचल। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। कहाँ पे जाना है? मुरादाबाद। कितने दिनों से सफर कर रहे हैं? 9 दिन हो गए आज। पैदल आए वहाँ से? पैदल आ रहे। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं अगर कोई सुविधा नहीं कर रही है तो सवारी तो चलानी चाहिए, जो बंदा अपने घर पे पहुंच जाए। बच्चे आपके साथ हैं? बच्चा है ये छोटा सा, 5 साल का है। आपके साथ? ये पैदल आया। किन किन समस्याओं का सामना? एक तो हमारा वो हाथ से बेकार है, पैर से भी बेकार है। चांदनी। कहाँ से आए हो चांदनी? फतेहाबाद से। कितने साल की हो? अभी मैं 10 साल की हूँ। वहाँ से कैसे आए हो? हम पैदल ही चल के आए। पैदल चल के आए हो? कौन कौन है साथ में? मम्मी, भैया और बड़े पापा और बहन भाई। अभी अभी क्या चाहते हो, घर जाना चाहते हो? हाँ। जल्दी जल्दी? हाँ। नाजमा है। कहाँ से आए आप? हम लोग जमुनानगर से आए। कहाँ पे जाना है? बंगाल जाना है। कितने दिनों से फंसे हो? 50 दिन हो गया। 50 दिन से? कोई सहायता मिली सरकार? नहीं, कोई सहायता नहीं मिला। खाना पीना का भी कोई इंतजाम नहीं हुआ, किसी तरफ से नहीं मिली? नहीं मिले। अभी सरकार ने क्या आश्वासन दिया है? कुछ प्रशासन नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी बताया नहीं अभी तक। यहाँ पे कितने बजे से फंसे हो? यहाँ तो 2 दिन हुआ। 2 दिन हो गया। खाने पीने को मिल रहे थे? आज सुबह खाना मिला है। सरकार से कोई, हम लोग नहीं चाहते, बस हम लोगों को गांव पहुंचा दो, अपना अपना गांव में। बस हम लोग ये चाहते हैं, इतना दिन से हम लोग यहाँ बाहर ऐसे नहीं रह सकते, भूखा रह के छोटा छोटा बच्चा लेके। बच्चे कितने छोटे, कितने कितने साल के बच्चे आपके साथ? मेरा एक ही बच्चा है और उनका 2 लड़की है। दीनानाथ जी। कहाँ से आए हैं आप? अमृतसर से। अमृतसर से साइकिल से आए? हाँ जी, हाँ जी। तो आप इंतजार क्यों नहीं किया? और ऑनलाइन कराया था, फिर नंबर ही नहीं आया, फिर दिन आशा था फिर होकर चलता हूँ। तो कितने दिन लगे यहाँ पे आने में? कितने लगे? 6 दिन। 6 दिन से? हाँ जी। अभी कहाँ पे जा रहे हो? अब जा रहा हूँ वहाँ, क्या नाम, क्या नाम है, आश्रम में। हाँ जी। तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? खाना पीना सब मिला? खाना पाना कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। 6 दिन से कुछ नहीं खाया? खाया था, लंगर लंगर मिला था। 15 सौ खरीदा साइकिल। साइकिल कहाँ से मिली? साइकिल आपकी अपनी है? खरीदी? आप खरीदी? हाँ जी खरीदी। कितने में खरीदी? 1200। 1200 की खरीदी है? आया 20 दिन हो गया, हमारा सबका कोई ना नंबर आया, ना कोई टिकट आया, ना कोई मैडम ने फोन किया। फिर हमारे सबके पास पैसा नहीं रह गया खाने जोगा, इधर उधर मांग जांच के कैसे भी 1000-1200 इकट्ठा करके हम लोग साइकिल लिया। साइकिल लेकर फिर हमें लोग गांव चल दिया। गांव चलते वक्त ना कोई पुलिस जाने देते है, ना जी कोई रास्ता मिलता है। फिर हम लोग कहा चलो देखते हैं, अगर कहीं
बस का सुविधा होगा उसी से निकल जाएंगे। तो साइकिल से ही जाने का प्लान है फिलहाल? नहीं, ये अभी साधन से निकल जाएंगे, अगर साधन मिलता है तो साधन से निकल जाएंगे, साइकिल छोड़ देंगे। आपका नाम? कमलेश कुमार। कहाँ से आए कमलेश आप? हम तो लुधियाना से आए हैं। कहाँ पे जाना है? जाना है हम लोग को बिहार। प्रशासन ने कोई सहायता दी आपको अभी तक? प्रशासन से सहायता नहीं मिला है, गुरुद्वारा का ऐसा खाना बांट रहा था तो वहाँ से मिला है हम लोग को। तो अभी आप वहाँ से पैदल यहाँ तक कैसे आए? वहाँ से कोई ट्रक वाला बैठा लेता था और हम लोग खुद पैदल ही चलते थे। नदी पार करके हम लोग आ रहे हैं, जो ये नदी है उसके पार से हम लोग पैदल आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे कोई रोक टोक तो नहीं की? कुछ नहीं, हम लोग कोई मदद नहीं किया, रोक टोक भी नहीं किया। कितने दिनों से चले हुए? छह दिन हो गए आज। छह दिनों से पुलिस ने कुछ कहा ना? पुलिस देख रहा है हम लोग को, तो आगे जा रहे हैं तो फिर पीछे हम लोग को बस से या ट्रक से फिर पीछे कर दे रहा है। पीछे कहाँ पे, कौन से? फिर लुधियाना भेज दे रहा है। लुधियाना? हाँ, फिर हम लोग वापस आ रहे हैं अभी, अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं। खाना वगैरह मिला आपको? खाना वगैरह हाँ वहीं कहीं मिल जाता है रास्ते में। हमको घर जाना है, घर भेजा जाए। आपका घर कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में? मोतिहारी जिला। कहाँ पे काम करते थे? वही लुधियाना। कितने दिनों से चले हुए? छह दिन। आपका नाम? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। कहाँ से आए हैं? शैला से आए हैं। कैसे आए हैं वहाँ से? वहाँ से पैदल आए हैं। पैदल आए? हाँ पैदल आए हैं। और आने के बाद पुलिस वाले पकड़ते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ भीड़ भेज देते हैं, फिर वहाँ से मैं पैदल आता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ। उससे वजह नहीं होता है तो मैं जंगले आकर यहाँ बॉर्डर पर बैठा हूँ। पंजाबी क्या बोलता, हरियाणा सरकार अच्छी है कि खाना खिलाया है और वो मुझे खाना खिला के 200 रुपया दिया है, इस बेटे लो रास्ते में खा लेना। तो मैं 200 रुपया था तो उसको भी किन के खाया हूँ मैं। उसके बाद पैसा नहीं था तो खाना दिया, रोटी रोटी भी रखा हूँ, और रोटी और कभी आम मिला कच्चा आम के साथ में खा लिया हूँ बस। इससे आगे मैं क्या कहूँ मोदी को, मोदी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली वोट लो वोट लो। मोदी बोलता वोट चाहिए हमको और जनता मर जाए बिहार का, वो सुनवाई नहीं दे रहा है। कान में क्या हो गया मोदी को और नीतीश कुमार को? जमुना हेल के यहाँ सबके साथ में लेके आए हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम 14 लोग हैं। 14 लोग में कोई मर जाता तो उसको मोदी जवाब देता, उसको बच्चा देता। सब नदी में, नदी पार? हाँ नदी पार के आए हैं।